हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशु चौधरी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है, सबसे पहली वीडियो पे ये बना रहा हूँ। काफ़ी कुछ इसमें कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन हेजिटेशन भी अंदर, लेकिन इन सबसे दूर मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नाम विशु चौधरी है और मैं विलेज भोजपुर मोदी नगर गाज़ियाबाद यूपी का रहने वाला हूँ। मैं अपनी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्यों मेरे जो है काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला है कि तू अपनी अपनी जो एक्सपीरियंस तेरा 7-8 सालों का रहा है, वो 2007 में 10वीं करी, 2012 में मैंने 12वीं करी और मेरा जो ग्रेजुएशन था वो 2012 ITS मोहनगर कॉलेज से हुआ था। 2014 में मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी है। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जो मैंने बिल्डअप किया है। अभी मैं एक छोटा सा बिजनेस मैन हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा कुछ अचीव अपने गोल्स थोड़े बहुत गोल अचीव किए हैं, उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और ये एक्सपीरियंस उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उन्हें जो अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। मैंने शुरुआत की थी 2014 से कंस्ट्रक्शन लाइन में आने की। कंस्ट्रक्शन लाइन की शुरुआत मैंने करी 2014 में। मेरे पास इतना फंड भी नहीं था कि मैं एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकूँ। मम्मी पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया, जो उनसे पैसे बनते थे उन्होंने मुझे सारे जो भी मुझे सपोर्ट किया काफ़ी उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से किया, क्योंकि पापा मेरे फार्मर हैं, बिजनेसमैन है नहीं कोई भी फैमिली में, तो काफ़ी हद तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। 12th तक, ग्रेजुएशन तक जो भी मेरे शौक थे, जो वो कर सकते थे, उन्होंने सब मेरे शौक पूरे किए। अब शुरुआत आती है मेरी 2014 से। मेरी जो जर्नी है वो बिजनेस की जर्नी जो स्टार्ट होती है वो 2014 से। जो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मेन चीज़ यही है। 2014 में मैंने शुरुआत करी, टीला गांव पड़ता है निस्तोली के अंदर गाज़ियाबाद में, वहाँ से मैंने एक प्लॉट लिया, 110 गज का प्लॉट था, वहाँ से मैंने अपना कंस्ट्रक्शन लाइन शुरू करी। इसी बीच में काफ़ी कुछ दिक्कतें आई, मैंने फ्लैट वगैरह बनाने स्टार्ट करे, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें नॉलेज ली शुरुआत में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी बिगनर्स अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, सबसे पहले प्रॉफिट का नहीं देखना चाहिए, सबसे पहले अपना बिल्डअप होना चाहिए, सेटअप अपना स्टार्ट होना चाहिए। जो भी सेटअप आपको करना है वो सबसे मेन ज़रूरी है कि वो एक बिल्डअप हो सके। अभी शुरुआत में आप प्रॉफिट पर ध्यान दोगे ना तो बिजनेस में जो है दिक्कतें आती हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे एक बिज़नेस शुरुआत करने के लिए, तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा शुरुआत में, काफ़ी मेहनत करी। जो लोग आजकल मेरे से बोलते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं कि दो नंबर से पैसा कमाया है, दो नंबर का काम करता है, मैं उनके लिए भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी बंदा मेहनत करेगा उसे कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 2014 में मैंने काम शुरू करा कंस्ट्रक्शन का। 2017 में मैंने फिर सबसे पहले अपनी फैक्ट्री बिल्कुल अकेली, शुरू में मैंने पार्टनरशिप में काम किया था। 2017 में मैं पार्टनरशिप मैंने अपनी ख़त्म कर दी, 2017 से मैं अकेला काम कर रहा हूँ। यही मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी चीज़ें ये डिटेल्स में मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने जो छोटा सा अपना सेटअप बिजनेस सेटअप किया है उसके बारे में बताऊँगा आने वाली वीडियो में। इतना ही अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इतना ही काफ़ी है। मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। किसी को भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आने वाले समय में मैं एक छोटे छोटे बिगनर्स जो होते हैं, बिजनेस जो शुरुआत करते हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं, जो जो मेरे साथ दिक्कतें आई है मैं उसे शेयर करना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे भी काफ़ी दोस्त मुझसे बोलते हैं कि तूने जो शुरुआत करी थी क्या दिक्कतें आई, कैसे बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस ज़्यादा बढ़िया है। बिजनेस सारे अच्छे हैं, करने का तरीका और डिटेल्स में बात होएंगी आगे वीडियो में। मैं अपने बारे में पूरी बताऊंगा कहां कहां से मैंने कुछ किया है, एक एक वीडियो में आपको डिटेल में शेयर करूंगा। ये 8 साल की मेरी जर्नी है, तो मैं सारी डिटेल्स में नहीं बता सकता पूरी चीज़ें। अगर ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।